सो डोंट वरी, वी आर विद यू, कुछ अच्छा ही होगा. बहुत सारे इंस्टीट्यूट साथ हैं आपके, हम भी आपके साथ हैं, एंड आपकी मेहनत यूं जाया नहीं जाएगी. Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great, guys. So today this is Nishi from Topos Academy and I'm welcoming you all to the YouTube channel of Topos Academy. So today I'm sharing a very important update, especially for our students who have scored a very good rank and they are getting the MBBS seats in many government colleges also. Fine. So ये news बहुत ज़्यादा important है उन सभी बच्चों के जिन्होंने इस साल 2023 में हमारा NEET का exam attempt किया था and they have scored a very good rank also. Fine. So NMC का एक update आया था. As you know, NMC is the conducting body दो जो कि हमारा exam conduct कराने वाली है and सारे ही decisions NMC लेती है आपकी, ठीक है. सो एनएमसी का एक अपडेट आया था सारे ही गवर्नमेंट्स के लिए, सारी ही स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, कि आपके यहाँ जितने भी एमबीबीएस की काउंसलिंग होगी सारे राउंड्स की, वो 30th of September तक कम्प्लीट हो जानी चाहिए एनी हाउ. बट ड्यू टू रीजंस नहीं हो पाया ऐसा. बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स की जो काउंसलिंग थी वो 30th of September के बाद भी चालू रही, जारी रही. उसके बाद भी उन्होंने सीट्स लिए, काउंसलिंग करी. स्टे वैकेंसी राउंड जो था वो 30 सितंबर के बाद भी जारी रहा आपका. फाइन. सो अब ये क्या हुआ, इन्होंने तो अपना ऑर्डर सब स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिया और सारे स्टेट गवर्नमेंट से वो फुलफिल नहीं. कुछ कुछ लोगों ने अपना 30 सितंबर तक खत्म कर लिया था, बट कुछ ऐसे हैं. अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूँ, हमारा बिहार, वेस्ट बंगाल और आपका तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, बिहार में अप्रॉक्स हमारी 800 सीट्स वैकेंट है अभी भी, जिन पर एमबीबीएस की काउंसलिंग नहीं हुई है, स्टे वैकेंसी राउंड भी नहीं हुआ है अभी. अगर आप सोचें, अगर एक स्टेट में अगर इतनी सीट्स बकाया है अभी, तो बाकी कितने स्टेट्स में आपकी एमबीबीएस सीट्स अभी खाली हैं. फाइन. तो इस बारे में जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना याचिका दायर की कि इन लोगों ने इन स्टेट गवर्नमेंट में हमारे रूल का उल्लंघन किया है, तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया इन सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कि जिन जिन बच्चों की काउंसलिंग, जिन जिन बच्चों के एडमिशन 30th of September के बाद हुए हैं, सो दीज एडमिशन्स विल नॉट बी वैलिड, दीज एडमिशन्स विल बी कैंसल्ड. इन सारे ही एडमिशन्स को, सारे ही इन बच्चों के एडमिशन्स को हम कैंसिल कर देंगे जिन जिनके 30th of September के बाद हुए हैं. अब आप खुद सोचिए, इसमें बच्चों की तो गलती नहीं है ना. बच्चों ने पूरे साल अपना अच्छा सा पोटेंशियल उसमें दिया है, मेहनत की है, एंड यू ऑल्सो नो कि टू गेट अ MBBS सीट हाउ मच हार्डवर्क यू नीड. फाइन. कितना हार्डवर्क उन लोगों ने पूरे साल किया है. उनका काम था एग्जाम देना, अच्छे से सीट के लायक मार्क्स लेना. उन्होंने अपना काम किया. बाकी काम होता है आपकी गवर्नमेंट का, बाकी काम होता है मैनेजमेंट का, वो नहीं कर पाए. इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है. सो आई एम जस्ट शेयरिंग दैट अपडेट कि जिन जिन बच्चे, जो जो बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं, जिन्होंने MBBS सीट के लिए अपना काउंसलिंग करवाया है या फिर करवाना अभी रह गया है, काउंसलिंग हुई नहीं है स्टे वैकेंसी के बाद, सो डोंट वरी, कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर होगा. इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. आपने तो अपना फुल पोटेंशियल दिया, अपने मार्क्स लाए. कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रीजंस भी दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि किन किन रीजन की वजह से ये स्टेट काउंसलिंग वैकेंसी जो राउंड था ये लेट हुआ 30 सितंबर के बाद, क्यों चालू रही काउंसलिंग. तो कुछ कुछ रीजंस दिए भी हैं, बट हाँ, अभी अभी तक का जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो यही है कि जिन जिन बच्चों की, जिन जिन की काउंसलिंग आपकी 30 सितंबर के बाद हुई है, सो दीज एडमिशन्स विल नॉट बी वैलिड. ये सारे एडमिशन्स हम कैंसिल करवाएंगे, राइट. सो डोंट वरी, वी आर विद यू, कुछ अच्छा ही होगा. बहुत सारे इंस्टीट्यूट साथ हैं आपके, हम भी आपके साथ हैं, एंड आपकी मेहनत यूं ज़ाया नहीं जाएगी. वील डू समथिंग गुड फॉर यू, एवरीथिंग विल बी फाइन. एंड डोंट वरी, अगर काउंसलिंग नहीं हुई है, हो गई है, एडमिशन कैंसिल हो गया, सो डोंट वरी, मेहनत बेकार आपकी बिल्कुल नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर होगा. तो यही न्यूज़ मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी, स्पेशली फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना MBBS सीट्स के लिए क्वालिफाई किया था, एंड दे आर गोइंग टू द काउंसलिंग ऑल्सो, एंड दोज हु हैवंट गोन फॉर द काउंसलिंग येट. सो डोंट वरी, जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट डिसीजन. जो भी डिसीजन होगा, जो भी अपडेट आएगा, आई विल शेयर विद यू एंड विल बी कनेक्टिंग विद यू एट एवरी स्टेप ऑल्सो. सो डोंट वरी एंड होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू सो मच.